गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोसीजर देखे सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल देखे थे और अब थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होती है वो कॉम्प्लेक्स आती है, बस इतना चेंज है प्रीवियस एग्जांपल में और ये एग्जांपल में, बाकी पूरा प्रोसीजर जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो गिवन एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। Given differential equation is d2x divided by dt square plus x is equal to zero, equation number one. अब इसको reduce करना है matrix में, तो substitutions रहेगा, let ये differential coefficient dx upon dt is equal to z1 and dependent variable x is equal to z2, equation number two. ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जांपल में आपको दिया है वही डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू आपको z1 सपोज करना है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये ऊपर वाला जो वेरिएबल दिख रहा है x, x इज इक्वल टू z2। अब ये सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू dz1 अपॉन dt। अब ये सभी सब्स्टिट्यूशन रखना इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज d2x upon dt square is equal to dz1 upon dt, आगे है plus x, x is equal to z2, is equal to 0, z2 को साइड में शिफ्ट करेंगे, plus साइड में जाने के बाद होगा minus, तो dz1 upon dt is equal to minus z2, ये एक equation होगी। second equation जो सभी question के अंदर common रहेगी, equation number 2 जो दिख रहा है substitution, ये equation को मैं ये वाली इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर टू इम्प्लाइज, बस इसमें एक चेंज करके लिख रहा हूँ, ये जो x दिख रहा है ऊपर x, ये x की जगह x की वैल्यू मैं z2 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, dz2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू z1। अभी लास्ट टू इक्वेशन, इसको रिड्यूस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स बनेगा कॉलम मैट्रिक्स dz1 अपॉन dt dz2 upon dt, d by dt, d by dt दोनों में कॉमन है, उसको बाहर लिखेंगे, तो d by dt बाहर और मैट्रिक्स में बनेगा z1 z2 is equal to matrix, यहां से जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो कोफिशिएंट ऑफ z1, यहां कोफिशिएंट ऑफ z1 z1 ही नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ z1 कितना है 0, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ z1 1, सेकंड यहां पे z2 का कोफिशिएंट -1, और यहाँ पे z2 जो है यहाँ से एब्सेंट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ z2 इस इक्वेशन में जीरो है, और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स z1 z2। अब इसको नोटेशन देंगे, ये मैट्रिक्स जो है जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको z से डिनोट कर दे, d by dt into z matrix is equal to, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको कैपिटल A से डिनोट करेंगे और ये वेरिएबल मैट्रिक्स है z से डिनोट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से आपके पास दो मैट्रिक्स आए, एक कैपिटल Z मैट्रिक्स आया, कैपिटल Z इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना Z1 Z2, और मैट्रिक्स A, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना 0 1 माइनस 1 0। ये स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होगी। स्टेप नंबर 1 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, और स्टेप नंबर 2 में यहां से जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A आया इसका मॉडल मैट्रिक्स बनाना है, तो अब मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए S1 0 प्लस 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2 बाय 2 मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2 बाय 2 मैट्रिक्स इज लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 लैम्डा
प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस आई माइनस आई। इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेंगे प्लस आई माइनस आई, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आई अभी दोनों को आइगन वैल्यूज को मैं नोटेशन दे देता हूँ, पहली आइगन वैल्यू को डिनोट करता हूँ लैम्डा वन से और दूसरी आइगन वैल्यू को डिनोट कर देता हूँ लैम्डा टू से। तो आई जो है लैम्डा वन और माइनस आई जो है वो लैम्डा टू। अब आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको आइगन वेक्टर सपोज करना है, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू बी द आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कैपिटल एक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स अगर आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स ए का, तो डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर क्या बताती है, डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर ए माइनस लैम्डा आई इनटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स ए से लिखना है, यहाँ पे डायगोनल्स के अंदर जो दिख रहे हैं नंबर उसके आगे माइनस लैम्डा लगाना है, तो ये बन जाएगा जीरो माइनस लैम्डा मतलब माइनस लैम्डा, माइनस वन वन, जीरो माइनस लैम्डा इनटू एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ से दो इक्वेशन आएगी, पहली इक्वेशन बनेगी फर्स्ट रो माइनस लैम्डा एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो और सेकंड इक्वेशन बनेंगे एक्स वन माइनस लैम्डा एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर जो है इक्वेशन नंबर फोर इस को सॉल्व करना है लैम्डा इज इक्वल टू आई के लिए और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस आई के लिए, तो वन बाय वन रखेंगे। फर्स्ट जो है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू आई, लैम्डा इज इक्वल टू आई पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर फोर सिस्टम फोर जो है वो लैम्डा की जगह आई, तो ये बन जाएगा माइनस आई एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा एक्स वन माइनस आई एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। और इससे पहले वाले प्रॉब्लम में बताया था मैंने आपको कि जब भी आप टू बाई टू मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं, उसका मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो सिस्टम है आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, ये आइगन वैल्यू जो भी वैल्यू है लैम्डा की यहाँ पे रखने पे दोनों के दोनों इक्वेशन कैसे हो जाती है, सेम हो जाती है। ये इक्वेशन भी सेम है, अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को आई से ऊपर वाली इक्वेशन को आई से मल्टीपल देता हूँ तो ये नीचे वाली इक्वेशन बन जाती है, बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे के ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ आपको जो है बना के बताता हूँ कि सेम इक्वेशन है दोनों भी। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीपल दे रहा हूँ आई से, तो ऊपर वाली इक्वेशन को आई से मल्टीपल लेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस आई मल्टीपल आई हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स वन और माइनस आई से मल्टीपल लेंगे तो ये हो जाएगा आई एक्स टू इज इक्वल टू जीरो और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, ये सभी को आपको पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स वन माइनस आई एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली कैसी है, सेम है, तो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, ऐसे की ऐसे नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये माइनस आई एक्स टू को साइड में शिफ्ट करें तो बनेगा ये आंसर एक्स वन इज इक्वल टू आई एक्स टू, देयरफॉर एक्स वन डिवाइडेड बाय आई और एक्स टू डिवाइडेड बाय वन। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया है, फर्स्ट आइगन वेक्टर है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आई वन, फर्स्ट आइगन वेक्टर है आई वन। अब जिस तरह से लैम्डा इज इक्वल टू आई के लिए कैलकुलेशन के लिए, सेम जो है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस आई के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस आई, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस आई इक्वेशन नंबर फोर में रखना है, तो इक्वेशन नंबर फोर इंप्लाइज माइनस माइनस प्लस आई एक्स आई एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन में एक्स वन माइनस माइनस प्लस आई एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। वैसे
दोनों के दोनों इक्वेशन कैसे हैं, सेम है। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को आप आय से मल्टीपल देंगे तो ये नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो आपको मैच करवाने की जरूरत नहीं, नीचे वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू माइनस आई एक्स टू, देयरफॉर x1 डिवाइडेड बाय माइनस आई इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 1, देयरफॉर कैपिटल x इज इक्वल टू माइनस आई 1। ये दो आइगन वेक्टर आ गए, ये दोनों आइगन वेक्टर को जो है एक मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे और उस मैट्रिक्स को बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू फर्स्ट आइगन वेक्टर आई वन, सेकंड आइगन वेक्टर माइनस आई वन, ये आपका मॉडल मैट्रिक्स बना। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मिडिल टर्म्स यहां से अगर एब्सेंट है, जैसे ये दिख रही है d2x / dt² प्लस फिर डायरेक्टली x है, dx / dt वाली टर्म्स यहां पे नहीं है, तो उसके जो आइगन वेक्टर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। जैसा इसके आइगन वेक्टर जो है वो i और माइनस i i, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे अगर 4 देता हूँ तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो लेमडा की वैल्यू जो है वो 2i और माइनस 2i बनेगी। अगले एग्जांपल में आपको दूंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज कर दूंगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मिडिल टर्म्स एब्सेंट है तो ये जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स ही देते हैं और वो फिक्स होता है। जैसा यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 2i माइनस 2i आइगन वैल्यू बनेगी, यहाँ पे अगर 9x रहेगा तो यहाँ पे 3i माइनस 3i आइगन वैल्यू बनेगी इस तरह से। तो ये मॉडल मैट्रिक्स हो गया, स्टेप नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गई। अब स्टेप नंबर 3 अपने को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज z इज इक्वल टू b c1 e raised to power lambda 1t, c2 e raised to power lambda 2t। ये सॉल्यूशन ये आपको याद रखना है और ये चीज ध्यान में रखना है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि यहाँ पे वेरिएबल मैंने t लिया हूँ, ये वेरिएबल t कहाँ से आया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो क्वेश्चन में है, डिनोमिनेटर में नीचे जो वेरिएबल रहता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो ये t यहाँ से लेना है, यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t लिखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर x रहेगा तो यहाँ पे भी x लिखना है, यहाँ पे y रहेगा तो यहाँ पे भी y लिखना है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, z जो है z मैट्रिक्स है आपके पास z1 z2, b मॉडल मैट्रिक्स ये कैलकुलेट किए i माइनस i 1 और c1 e रेस्ट पावर लैम्डा 1 की वैल्यू है आपके पास i, c2 e raised to power lambda 2 की वैल्यू है माइनस i। z1 z2 की वैल्यू पुट करते हैं, z1 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किए थे dx / dt, z2 की वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम i into c1 e raised to power it माइनस i into c2 e raised to power माइनस it, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम c1 e raised to power it plus c2 e raised to power minus it। अब matrix से इसको simultaneous equation में reduce कर देते, तो first equation बनेगी dx / dt is equal to i c1 e raised to power it minus i c2 e raised to power minus it, second equation x is equal to c1 e raised to power it plus c2 e raised to power minus i। मैं इसको नंबरिंग करता हूँ इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना है इस गिवन कंडीशन के लिए, जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया है, और इसका यूज करके आपको यहाँ से जो कांस्टेंट दिख रहा है c1 c2 की वैल्यू वो कैलकुलेट करना है। c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको ये इक्वेशन नंबर 6 जो दिख रहा है जो आपका सॉल्यूशन है इसमें रखना है, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो यूज करते
गिवन x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का मीनिंग है x इज इक्वल टू 0, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दिख रही है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो t इज इक्वल टू है 0। सेकंड x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, x डैश का मतलब है डेरिवेटिव, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 में। इक्वेशन नंबर 5 एम्प्लाइज dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू isc1 और t की जगह 0 रखें तो e रेस्ट पावर 0 1 हो जाएगा, उसको छोड़ देते माइनस isc2 e रेस्ट पावर 0 1। इक्वेशन नंबर 6 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c1, t के पोजीशन पे 0 रखें तो e रेस्ट पावर 0 1 छोड़ देंगे प्लस c2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है कोफिशिएंट में आए हैं तो बहुत सारे कैलसी जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारे कैलसी जो है वो एरर बताते हैं, तो आप चाहे तो मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैन्युअली भी आसान है, तो मैं मैन्युअली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अगर आपके कैलसी में आए जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 7 है और यहाँ से ये 0 इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, सी वन को इस साइड में शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा सी वन इज इक्वल टू माइनस सी टू, C1 is equal to minus C2 जो है वो equation number 7 में रखते हैं। तो equation number 7 implies 1 is equal to I C1 के position पे minus C2 minus I C2, तो I into minus C2 ये हो जाएगा minus I C2 minus I C2 minus I C2 minus I C2 कितना हो जाएगा minus 2 I C2, therefore C2 is equal to minus 1/2i, तो C2 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई minus 1/2i। अब C2 is equal to minus 1/2i ये 8 में रखेंगे तो minus minus क्या हो जाएगा plus, therefore C1 is equal to आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 इंप्लाइज C1 इज इक्वल टू प्लस 4/2i, C1 C2 की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 6 में रखना है, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 6 इंप्लाइज x इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 1/2i e रेस्ट टू पावर it और C2 की वैल्यू -1/2i e रेस्ट टू पावर -it। अब इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 2i, ये एलसीएम हो गया, और न्यूमरेटर में बचा e रेस्ट टू पावर it माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस it, और ये जो है ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये है sin t का फार्मूला, सर्कुलिक फंक्शन sin t इज इक्वल टू होता है e रेस्ट टू पावर it माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस it अपॉन 2i, और cos वाले में इसमें बीच में यहां पे प्लस होता है और यहां पे डिनोमिनेटर में i नहीं आता। तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू sin t। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इस क्वेश्चन के साथ जो है ये कंसेप्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो जितना क्वेश्चन इसमें था वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। अब इसी से रिलेटेड जिसके अंदर आइगन वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स आती है, मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अगर डाउट्स आते हैं तो मेरे से पूछेंगे। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम अगला कंसेप्ट देखेंगे मैट्रिक्स का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।